हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। नमस्कार, मैं आपका दोस्त बिंदास कुमार माली। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि अपने मरते हुए गुड़हल के प्लांट को किस तरह बचाएं। अगर आपके प्लांट गुड़हल में, अक्सर आपने देखा होगा, चाहे वो देसी हो चाहे वो हाइब्रिड हो, आज इस तरह से फंगीसाइड लग के सूखने लगते हैं। जैसा कि अभी जुलाई का जो मौसम चल रहा है दोस्तों, जून जुलाई में क्या होता है कि इस तरह से फंगीसाइड अटैक कर देती है और हमारे प्लांट को काफ़ी डैमेज होने लगते हैं। तो इसका जो सिस्टम है उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइफ में दोस्तों। आज का जो विषय है वो हिबिस्कस प्लांट के सूखने के से बचाने का जो ट्रीटमेंट है, तरीका है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस तरह से कटर की मदद से अथवा चाकू की मदद से ऊपर से कटिंग करके देख लेना है कि हमारा ये ब्रांच कहाँ तक सूखी है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे हमारी ऊपर से ब्रांच काफ़ी हद तक सूख चुकी है, यानी इसका डैमेज हो चुका है एरिया। तो इसको कटिंग करके हमें नीचे की तरफ आना है, इसके पता लग जाएगा कि हमें हमारा प्लांट कहाँ तक सूखा है और कहाँ तक हरा है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये मेरी पूरी जो है इसकी लकड़ी बन चुकी है, सूख चुकी है, यानी कि अब यहाँ से ऊपर पूरी सूखी है। अभी जब तक इसके अंदर कटिंग करते समय ग्रीन यानी हरा ना दिखे, तब तक हमें कटिंग करते हुए नीचे की तरफ आना है। इससे ये पता चलेगा कि हमारा प्लांट कहाँ से इसमें जान है, कहाँ से बेजान हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से फंगीसाइड इसके अंदर लगा है, जिसको हम रोग बोलते हैं या कोई बीमारी बोल लेते हैं, उकठा बोल लेते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसका हिबिस्कस का जो प्लांट होता है साथी, उसके अंदर बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस प्रकार से चेक कर लेना है। अगर आपके एक दो प्लांट सूखे हैं तो उसमें इस तरह से कटिंग कर लेना है दोस्तों। उसके बाद हम कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे, जिससे अपना करके आप अपने मरते हुए हिबिस्कस के प्लांट को अच्छे से निजात पा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे पूरा डैमेज हुआ प्लांट पर पड़ा है। तो इसको ऊपर से दो तीन जगह से हमने इसको कटिंग कर ली है, पर अभी ये इसका हरापन आया नहीं है। तो नीचे की तरफ इस कई बार क्या होता है, हम लोग भाई उखाड़ के पौधे को बाहर फेंक देते हैं या फिर इसको कहीं अलग डाल देते हैं, ये समझते हैं कि हमारा प्लांट मर चुका है। तो अगर आप स्थिति है तो इसे ना करें। आप इसको इस तरह से कटिंग करके पता कर ले कि हमारा प्लांट कहाँ तक सूखा है, कहाँ तक गिल्ला है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से मेरा प्लांट अच्छे से हरा है, यानी कि इसके नीचे का जो ब्रांच है वो हरा है। इसमें जान है, इसमें अभी जान है। ऊपर जितनी ब्रांच थी उसमें लकड़ी थी और नीचे के जो ब्रांच है वो अभी हरी है। तो इस तरह से पता करने के बाद हमें इसके अंदर क्या करना है, साइडों के सारी ब्रांचें हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। अगर हम इससे नीचे की कटिंग करेंगे तो हमारा पेड़ ही ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपका पौधा इस तरह से मरने की स्थिति पर है तो आप पेड़ पौधे को फेंके ना, दोबारा से इसको हमें फिर से नई बार चालू कर लेना है। कई बार क्या होता है, हमें कुछ प्लांट के कलर बड़े पसंद होते हैं तो दोबारा मिलते नहीं, तो हमें इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आप नाखून से अथवा किसी चाकू के सिकरे से भी नीचे के जड़ में पता कर लें कि हमारे नीचे इसके प्लांट में हरा है कि नहीं। अगर इस तरह से छिलके निकल कर आते हैं हरे हरे ग्रीन में, तो समझ लो कि अभी हमारे प्लांट में जान है, तो ये हमारा प्लांट बिल्कुल भी बच जाएगा। अगर नीचे तक इसके फंगीसाइड लग चुका है और नीचे की तरफ भी बिल्कुल सूख चुका है, तो समझ लो कि प्लांट हमारा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर इस तरह से कुछ नीचे दो चार इंच में भी इसके अंदर जान है, अगर कुछ कुछ बचे हैं, तो फिर आप इसको बचा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, इस तरह से कटिंग करने के बाद दोबारा से हमें इसके अंदर गुड़ाई कर लेना है दोस्तों, अच्छे से गहरी गुड़ाई कर लेना है। और ये प्रक्रिया जब करें जब हमारे प्लांट में ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, ज़्यादा मतलब गीलापन ना हो, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो, ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ज़्यादा मतलब गारे वाली मिट्टी हो, तो बढ़िया मीडियम है, तो तभी हमें यह प्रक्रिया करना है और इसको अच्छे से गहरी गुड़ाई कर देना है दोस्तों। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे प्लांट में जड़ें आ रही हैं, तो जड़ें अगर कट जाएंगी तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो ब्रांच है पौधे हैं नई जड़ें बनाना शुरू कर देगा। तो जितनी जड़ कट जाए इसका कोई चक्कर नहीं है, जड़ कटेगी तभी नई जड़ें बनेगी। तो आप जितना हो सके से गहरी गुड़ाई कर दें। अगर आपने गमले में लगा रखे हैं तो, अगर ज़मीन में भी लगा रखें तो भी आप गोला बना करके गुड़ाई करके उसके अंदर जो मैं फर्टिलाइजर वीडियो के एंड में बताऊँगा उसको आप उसके अंदर इंटर करना है, और आपका मरता हुआ है गुड़हल का पौधा दोबारा से फुटाव ले लेगा और चल पड़ेगा, नई ब्रांचें आ जाएंगी और पहले की अपेक्षा में इस बार फूल भी अच्छे आएंगे और हेल्दी आएंगे, स्वस्थ आएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से गहरी गुड़ाई कर दें। अगर मिट्टी आपको लगता है ज़्यादा है तो थोड़ी मिट्टी इसके अंदर से निकाल लें, अगर आपको लगता है कि मिट्टी हमारी ठीक है तो मिट्टी बीच में ही पड़ी रहने दें। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से गहरी गुड़ाई करके हमें इसके अंदर
इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, डायरेक्ट धूप में हमें नहीं रखना है। तो इस तरह गहरी गुड़ाई करके जहाँ सुबह का धूप आता है वहाँ बिल्कुल ना रखें। तो इसको किसी दीवार के साइड में या किसी छतदार जगह पर या फिर किसी अच्छी जगह पर इसको हमें इंटर करना है, छाया वाली जगह पर जहाँ की इससे इसकी अच्छी जो है धूप घंटा आधा घंटा की मिल सके, अथवा चाहे ना भी मिले, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट हमारे प्लांट को नुकसान कर पहुँचा सकता है। तो इस प्रकार से गुड़ाई करने के बाद इसको हमें अच्छे से बढ़िया मिट्टी तैयार कर लेनी है। अगर मिट्टी ज़्यादा है तो मिट्टी निकाल लेनी है, और मिट्टी का ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, ना कि ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गिल्ली होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ। जिसको हमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारा 20 दिन के बाद रिजल्ट निकल कर सामने आ चुका है। इसको मैंने दीवार पे के साइड में रख दिया था और 20 दिन के बाद दोबारा से रिजल्ट आ चुका है। ये हमारा 20 दिन का रिजल्ट है और हमारा प्लांट फुटाव ले चुका है। तो आपने देखा होगा कि मैंने गुड़ाई करके इसको छोड़ दिया था और 20 दिन के बाद साइड में रख दिया था। अब इसके ऊपर दोस्तों दोबारा मिट्टी में फंगिस लग चुकी है। देखिए काई, जिसको हम काई बोलते हैं, काई जम चुकी है। तो इसको हमें फिर से हल्की हल्की गुड़ाई करना है। इस बार ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करना है, हल्की हल्की गुड़ाई कर देना है दोस्तों। अगर खरपतवार निकल आए हैं तो उसको भी हमें निकाल देना है। और ये भी प्रक्रिया हमें जो है ज़्यादा मतलब गिल्ली मिट्टी में नहीं करना है, और हमें पानी बहुत थोड़ा मात्रा में इसके अंदर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पौधा होता है वो बहुत ही कम पानी खींच पाता है, क्योंकि पानी प्लांट होता है छोटा। तो हमें इसके अंदर लेना है दोस्तों, चाहे आपके पास गोबर हो, सड़ी हुई डी कंपोस्ट अथवा बर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद, हमें इसको पाइया या 200 ग्राम के मात्रा में एक गमले के हिसाब से इसके अंदर हमें चारों तरफ डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों हमें इसके अंदर क्या करना है, अच्छे से इसके मिक्स करके रख देना है और हल्की हल्की इसके अंदर गुड़ाई करके खाद को हमें आपस में रला मिला देना है। इससे हमारे प्लांट को काफ़ी एनर्जी प्राप्त होगी, मिलेगी और काफ़ी नया ब्रांच निकल कर आएगी। तो इस तरह से अगर हम खाद मिलाने के बाद में इसको फिर से छांव में रख देंगे, जहां पे हमारे को ज़्यादा धूप नहीं मिलनी चाहिए, फिर उसी जगह पर रख देना है। अगर घंटा दो घंटा की धूप इसको मिलता है तो इसके लिए समझ लो बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम दोस्तों लेते हैं थोड़ा फंगीसाइड। फंगीसाइड जो पाउडर होता है उसको हमें एक चम्मच ले लेना है, इस तरह से छोटा चम्मच। ज़्यादा मात्रा में इसको बिल्कुल ना लें, तो थोड़ा थोड़ा चम्मच ही लेकर इसको जड़ से 3-4 इंच जगह दूरी छोड़ करके हमें इस तरह से डाल देना है। जी हाँ, इस तरह से हमें फंगीसाइड जो है थोड़ा सा एक चम्मच लेके प्लांट के चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा डाल देना है, और ये ध्यान रखें। तो साथियों, फंगीसाइड डालने के बाद हमें थोड़ा सा इसके अंदर वाटरिंग भी करना है, पर वाटरिंग करते समय ध्यान रखना है कि ज़्यादा वाटरिंग ना हो, बस थोड़ा सा पानी डालना है। और इसके बाद इसको पानी डाल के हमें फिर अच्छे से एक साइड में रख देना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिन के बाद हमारा प्लांट दोबारा से अच्छे से हरा भरा हो जाएगा। और उसके बाद अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि हमारे प्लांट में अभी भी दिक्कत है, तो आप कुछ 5 ग्राम के मात्रा में 1 लीटर पानी में वही फंगीसाइड हमें दोबारा से इस घोल करके इस तरह से, और हमें पानी मिला लेना है 1 लीटर। इस तरह से हमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर आपको दुकान पर, ऑनलाइन की दुकान पर भी मिल जाएगी, आपको किसी कीटनाशक या बीज की दुकान पर भी मिल जाएगी। तो फंगीसाइड जो प्लांट होता है, एक सिस्टम होता है, फंगीसाइड एक पाउडर होता है, उसको हमें दोबारा से स्प्रे कर देना है, इस तरह धो देना है। तो इससे हमें क्या होगा कि नीचे से भी और ऊपर से दोनों हमारा जो इसके अंदर फंगीसाइड लगने का जो रोग लगने का चांस है, बीमारी लगने का चांस है, वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे प्लांट रातों दिन हरदम बढ़ेंगे और बढ़िया से नई कलियाँ आएँगी, स्वस्थ और मोटे तगड़े इसके अंदर फूल आएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह रेगुलर गार्डनिंग के वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और इसी तरह से हम वीडियो अपडेट आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इस तरह से धन्यवाद। मिलते किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।